हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल महामाया सिलेक्शन में। दोस्तों, मैं सागर आज आपके सामने फ्रेंड्स इंडियन टेरिटोरियल आर्मी ऑफिसर का इंग्लिश का क्वेश्चन लेके आऊँ फ्रेंड्स, और ये पार्ट 9 है। आज मैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस करूंगा जो कि आपके इंडियन टेरिटोरियल आर्मी ऑफिसर में आ सकता है। चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं, ये मॉक टेस्ट है आपका। तो सबसे पहला क्वेश्चन है इडियम्स एंड फ्रेजेस से। तो क्या कह रहा है, टू बेल द कैट। टू बेल द कैट का मीनिंग क्या होता है, क्या मतलब होता है? तो बेल द कैट का मतलब होता है क्या, फेसिंग एनिमी होगा, टू फेस द रिस्क, मेक फ्रेंडशिप या कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई करना। इसका हो जाएगा टू फेस द रिस्क, रिस्क को क्या करना, फेस करना, इसे कहते हैं टू बेल द कैट। अगला है क्या फ्रेंड्स, विथ फ्लाइंग कलर्स। विथ फ्लाइंग कलर्स इसका मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, तो विथ फ्लाइंग कलर्स का मतलब होता है क्या, फ्लाई हाई होगा, डूइंग एक्सपेंडेड वेल होगा, सी कलरफुल होगा, या डी वर्क वेरी हार्ड। तो इसका हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, तीसरा नंबर क्वेश्चन है ऑल एट सी। ऑल एट सी का क्या होगा फ्रेंड्स, तो क्या हो जाएगा ऑल एट सी, समझ लीजिए अगर मुझे टीचर पढ़ा रहे हैं, लेकिन जब वो पढ़ा रहे हैं तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया, ऑल एट सी हो गया, ठीक है? तो क्या हो गया, स्टेट ऑफ कंफ्यूजन, सब कुछ क्या हो गया, कंफ्यूज हो गया। अगला है साइनोनिम। साइनोनिम बात करते हैं सेम मीनिंग, तो सेम मीनिंग साइनोनिम में हो जाएगा अबॉर्टिव। अबॉर्टिव का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, अबॉर्टिव का मतलब होता है निसफल, निसफल। इसका अगर साइनो का बात करूं फ्रेंड्स, तो नी सफल का साइनो क्या हो जाएगा, इसका साइनो हो जाएगा अनसक्सेसफुल, अनसक्सेसफुल, ठीक है? नेक्स्ट बात करते हैं एबेट। एबेट का क्या होता है फ्रेंड्स, एबेट का होता है रोकथाम करना, रोकथाम करना, इसका मॉडरेट आप कह सकते हैं साइनो। नेक्स्ट है ऑडेसिटी। ऑडेसिटी का क्या होता है, ऑडेसिटी में होता है घृष्टता, इसका मतलब क्या हुआ, बोल्डनेस, बोल्डनेस साइनो हो सकता है, या एरोगेंस, बोल्डनेस रहती है, बोल्डनेस आपका साइनो हो जाएगा। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड फ्रेंड्स, ऑफेंस। ऑफेंस क्या होगा, ऑफेंस का विरोध करना एक तरह से हो गया, इसमें कौन सा स्पेलिंग सही लग रहा है आपको, तो ओ डबल एफ ई एन सी, ऑफेंस सही आपका आंसर हो जाएगा। एप्रिसिएट, एप्रिसिएशन मीन्स बड़ाई करना, वाहवाही करना, तो एप्रिसिएशन का स्पेलिंग कौन सा सही हो जाएगा, तो आपका बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, एप्रिसिएशन का। अगला क्वेश्चन है आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच से है, तो नॉर्मल नंबर क्वेश्चन है सी सेड टू हिम व्हाई डोंट यू गो टुडे। तो फ्रेंड्स, इसका पहले सी सेड टू हिम है, तो सी आस्क्ड हिम हो जाएगा, देखिए सी आस्क्ड हिम, सी आस्क्ड हिम, ये गलती, बी गलती हो गया, ठीक है? अब देखिए सेट से पता चल गया, अब देखिए यहाँ पे क्या है, टूडे का डैट डे हो जाता है, डैट डे यहाँ है, डैट डे यहाँ है, ये गलती, टूडे यहाँ दे दिया, ये भी गलती। अब आपको फाइंड आउट करना है ए और सी में, ठीक है? अब कह रहा है सी आस्क्ड हिम टू, हट जाएगा सी आस्क्ड हिम, वाई का वाई रह जाएगा फ्रेंड्स, वाई ही डिड नॉट गो दैट डे, ही किसके लिए आ गया, यू चेंज हो गया आपका, हिम के अनुसार चेंज हो गया, और हिम के लिए आपका ही आ गया, तो ए आपका सही उत्तर हो गया, ए इज द राइट आंसर, ओके? तो फ्रेंड्स, ये कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन था इंग्लिश का जो कि मैंने आपसे डिस्कस किया। कल से आपके जीके के भी क्वेश्चन डिस्कस करूंगा फ्रेंड्स, इंडियन टेरिटोरियल के लिए इंपॉर्टेंट जीके डिस्कस करूंगा और टॉपिक वाइज डिस्कस करूंगा, ठीक है? तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। हमसे जुड़े रहने के लिए महामाया सिलेक्शन सब्सक्राइब कीजिए, और हमें मोटिवेट करने के लिए लाइक बटन दबाइए कि इस तरह के वीडियोस आपके लिए लाता रहूं। थैंक यू।